सी हजूर दी बारगाह में अल्लाह फरमाया ईमान वाले हो तो जो है सारी दौलत खुदा की मदीने।
दीदार वाले होंगे। हजरत मालिक
बात तो बाहर निकला किधरे भी नो मौत आ जाए मैं तिहार के लिए तो आना ये मांगना वहां या अल्लाह फरिश्ते रोजे थे
जो आउंदे फेर एक बार फरिश्ते हो जाते जो आउंदे फेर ना बोलो बोलो फेर ना ਜਾਰੀ ਸਨ।
फिर हमने फरमाया कि ना कि या अय्युहल लदीना आमनू ला तरफऊ सलातकुम फौक सौति नबी वला तजहरू लहु बिल कौलि कजहर बादिकुम लिबादि अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशुरून। ए ईमान वालों, या आवाज मेरे नबी की आवाज को ऊंचा ना करया करो, जब मेरे हबीब के कोल हो आहिस्ता बोलो, सुभान अल्लाह आहिस्ता बोलो। जिस वेले ये आयत करीमा नाज़िल हुई, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक, ए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अदब व मोहब्बत दे पैकर, इन्होंने इतना आहिस्ता बोलना शुरू कर दिया कि कई कई मर्तबा कोई बात सरकार के कान मुबारक विच कहनी, सरकार ने कहना थोड़ा जिहा ऊंचा बोलो। क्योंकि सानू रब ने वो आका अता फरमाया, सानू रब ने उस नबी का गुलाम बनाया जेड़े दिलों दियां धड़कनां दियां बोलियां भी जावे। नौजवान सहाबी खूबसूरत